लक्ष्मी नारायण मंदिर के निर्माण का मामला गहराता ही जा रहा है। बीते रोज यहां प्रशासन की टीम ने अवैध अतिक्रमण को हटाया, लेकिन यह मामला अभी शांत नहीं हुआ। इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मंदिर के महंत ने इस पूरे मामले में राजस्व अमले पर लेन देन करने और निर्माण कार्य को बाधित नहीं करने पर 10 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों का इस मामले में कहना है कि उन्होंने अवैध दुकानों को हटाने के लिए 3 शोकाज नोटिस जारी किए थे। जवाब नहीं आने पर उन्होंने अपनी जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शुरू से ही यह मामला विवादों के साए में है। पहले दुकानदारों ने इस जगह पर अपना मालिकाना हक जताया। इसके साथ उन्होंने महंत पर दुकानें खाली कराने के नाम पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप चस्पा कर दिए। इतना ही नहीं, दुकानों के इस खेल में कई लोगों ने अपने बारे न्यारे करने का भी गुजर नहीं किया। कलेक्टर की दहलीज पर जब यह मामला पहुंचा तो उन्होंने मामले पर संज्ञान लेकर जांच के आदेश राजस्व टीम को दे दिए। हरकत में आए राजस्व अमले ने ताबड़तोड़ नोटिस और अल्टीमेटम देने की कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद बीते रोज अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। कहानी में अब महंत राजस्व अमले पर पैसों की डिमांड करने का नया पेंच और जोड़ दिया है। यह देखना अब दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में महंत और दुकानदारों की राह आसान होती है या नहीं। जी बताए महाराज। बताए महाराज, ये क्या मामला चल रहा है? ये मामला ये है कि पटवारी और एसडीएम मैडम है जो है मेरे को लोग लालच दे के कुछ लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये धर्म का मामला है, ऐसा तो कुछ है नहीं है कि मैं इनको 10-20 लाख दे दूँ, किसी को पता ना चले। ठीक है, तो ये सब मैंने मना कर दिया। सब मेरे पास कागज़ सब हैं, अनुमति मेरी कोर्ट में लगी हुई है, कागज़ सब लगे हुए हैं, इनकी सहमति लगी हुई है सब दुकानदारों की। ऐसा कोई मामला है नहीं, इन लोगों को नहीं आया समझ में। बोले नहीं, कुछ तो करना होगा। हमने कहा ठीक है, आप कर लें जो भी करें। तो कोई प्रशासनिक अधिकारी आया था आपसे बात कर लेंगे ना? अधिकारी यही आए थे जो तुम्हारे जो है पटवारी साहब। कौन कौन अधिकारी हैं जो आपसे पैसे मांग रहे हैं? पटवारी जो ये 3-4 लोग अपना एडीएम पटवारी हैं, और जो इनका ग्रुप पूरा है अलग ही। कितनी क्या डिमांड की गई है आपसे? अरे ये पूछे बोलो, मैंने लाख करोड़ों रुपए तुमने कमा लिए महाराज, उसमें से घी के छिड़के हमारे पास ये जा ना, कोई 10-10 लाख रुपए कम से कम मांगने की कह रहा है। हमारा ये कहना है कि इन लोगों की केवल यही है कि जो 2-4 लोग हैं, जैसे पटवारी हैं और वो मैडम है, इन लोगों की केवल साजिश है। बाकी हमारे कागज़ सब कोर्ट में लगे हुए हैं, सब पक्का काम है। ऐसा कोई अपन भारी काम तो कर नहीं रहे। पुरानी दुकान जेल सील हो गई थी, तो उनकी सहमति जो है लगी हुई इनके पास सब, और पुरानी दुकान को छोटी छोटी नई दुकान को बना देंगे। बाकी मंदिर का गेट का निर्माण हो रहा है, बस एक सत्संग हॉल बन रहा है। आपको कई बार नोटिस भेज के प्रशासन ने अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया, लेकिन प्रशासन का कहना है कि आप नहीं गए। तहसीलदार ने भी बुलाया। हाँ, अपन ने जो है कागज वागज सब लगा दिए थे। आप अपना पक्ष रखने के लिए क्यों नहीं पहुँचे? मैं था नहीं ना, इधर अभी कल आया। अभी अभी इस ट्रस्ट का मुखिया कौन है आपका नाम? महंत बैद्यनाथ। इसमें क्या अभी और आगे भी कार्रवाई अभी जारी रहेगी पूरा क्या? जी अभी अगर इनके द्वारा पुनर्निर्माण किया जाता है तो पुनः इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में इनको इस प्रकार के कई बार 4 से 5 बार तहसीलदार के न्यायालय एसडीओ न्यायालय द्वारा भी कई बार इनको नोटिस जारी किए गए थे, पर इनके द्वारा कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया, ना ही न्यायालय प्रस्तुत है। तो उनको पूर्व पूरे को मौके दिए गए थे कि अपनी तरफ से जवाब प्रस्तुत करें, किंतु उन्होंने अवैध निर्माण को रोका नहीं, इसलिए प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की।